कोरोना महामारी के दौरान एचआरटीसी की बसों की इंटरस्टेट शुरू करने के लिए जल्द ही सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। हमीरपुर में एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार के द्वारा जल्द ही इंटरस्टेट बस सर्विस को भी शुरू करने के लिए पहल की जाएगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी को कोरोना महामारी के दौरान काफी घाटा हुआ है और लोगों में कोरोना को खौफ बन गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम इन सारे विषयों के ऊपर नजर रखे हुए है। अभी तक हमने इंटरनल प्रदेश के अंदर लोगों को सुविधा मिले उसके लिए बस सेवा शुरू की है। हालांकि कोरोना का खौफ लोगों में इतना बैठ गया है शुरू से ही कि आज जो हम यहाँ बसें चला रहे हैं उनमें भी लोग डर के बैठते हैं। इस करके एचआरटीसी को बहुत बड़ा घाटा इस कोविड के काल में हुआ है, और लेकिन उसके बावजूद हम सब लोगों को सेवाएँ दे रहे हैं। और जो इंटरस्टेट सर्विसेज की जहाँ तक बात है, वो हम बहुत जल्द बैठने वाले हैं और उसमें जो डिसीजन होगा उसके प्रोस कॉन्स देखकर हो सकता है जल्द इसको शुरू करें। कांगड़ा बैंक के निदेशक पद के लिए भाजपा से दो दो पदाधिकारियों के नामांकन भरे जाने पर विजय अग्निहोत्री ने कहा कि जो चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के होता है उसमें कई बार ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है और ये नहीं कह सकते कि सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की सुंदरता के चलते कई बार फ्रेंडली मैच भी खेला जाता है, इसलिए इन चुनावों में पार्टी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। ऐसे है, अभी तक प्रोसेस शुरू हुआ है और अभी हम ये नहीं बोल सकते कि सब लोग लड़ेंगे। वैसे जो ये बिना सिंबल के चुनाव होता है उसमें पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है अपनी अपनी चॉइसेस के साथ। और लोकतंत्र की सुंदरता भी इसी में है कि कई बार हमें खुले फ्रेंडली मैच भी खेल लेते हैं, लेकिन उससे पार्टी को या पार्टी की विचारधारा या उसकी कार्य पद्धति, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली जो चुनाव बिना सिंबल के होता है उसको कई बार ऐसे भी लड़ लिया जाता है।